वेलकम दोस्तों, कोरल की के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्रेसर ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ट्रेसर एक बहुत ही पावरफुल टूल है मोगरा पेंडुल का, और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेसर बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के पाथ को मूवमेंट को ट्रेस करता है। ट्रेसर बेसिकली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ को ट्रेस करता है, या किसी भी मूविंग पार्टिकल के पाथ को ये ट्रेस करता है, और इस ट्रेस पाथ पे हम लोग किसी भी तरह का ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ढेरों सारा एग्जांपल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि इस ट्रेसर से कितना क्या क्या बनाया जा सकता है। और मेरा भी एक बहुत ही पसंदीदा टूल है ये। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग को दो ही चीज़ जानना है, बढ़िया से जानना है लेकिन। ठीक है, पहला बात तो इस ट्रेसर का सेटअप बनाने जान लें कि हम लोग सेटअप इसका कैसे बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग इसका एक सेटअप क्रिएट करते हैं ट्रेसर का। सेटअप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक स्वाइप ले लेते हैं और एक शेप ले लेते हैं। आई थिंक ये सर्किल ले लेते हैं और उसका साइज छोटा कर देते हैं ऐसे। और अब क्या करेंगे, ये जो सर्किल है इस स्वाइप के अंदर, ये जो ट्रेसर है इसके अंदर, तो ट्रेसर नीचे रखना है, सर्किल ऊपर रखना है, बस इतना। ये हमारा ट्रेसर का सेटअप बन गया। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आता है तो उसके पाथ को ये ट्रेस करेगा और उसके हिसाब से हमारा एक ज्योमेट्री क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसमें मूवमेंट देंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट की पे यहाँ पे है ये, इसको यहाँ की दे देते हैं, और 85 पे ये यहाँ दे देते हैं, की दे देते हैं, बीच में थोड़ा वेरिएशन दे देते हैं ऐसा, एक की यहाँ दे देते हैं, तो इसमें हमारा एक मोशन आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारा ट्रेसर ऑब्जेक्ट है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे यहाँ पे देखते हैं एक ट्रेस लिंक, एक बॉक्स आ जाता है, ब्लैंक है ये, और इस ब्लैंक बॉक्स के अंदर उस मूविंग ऑब्जेक्ट को डालते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसको ड्रैग करके यहाँ डाल देना है। ठीक है, और अब देखेंगे हम लोग तो इसका जो पॉइंट एरिया है, हमारा जो क्यूब है, इस क्यूब का कोने पे जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट को लेकर के एक एक ज्योमेट्री बनाता चला गया, है ना, इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो ये इसका फंडा है, सिंपल सा फंडा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है और इसका रेडियस थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इस पर एक टैग अप्लाई करते हैं वाइब्रेट। वाइब्रेट के बारे में मैंने आपको शायद बताया था कुछ हल्का सा। तो वाइब्रेट जैसे ही अप्लाई करते हैं हम लोग, इसमें एक मूवमेंट आ जाता है, ये डिफॉल्ट मूवमेंट आता है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं या रैंडम वे में अपना इधर उधर होता ही रहता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर देते हैं बस, और इस स्फीयर को इसमें डाल देते हैं। तो ये बहुत सारा स्फीयर का जितना सारा पॉइंट है ना, वो सारे पॉइंट को लेकर के ये बन रहा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो ये थ्री पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, और इस सर्किल का रेडियस भी थोड़ा कम कर देते हैं, लाइक वन। तो देख रहे हैं ये एक रैंडम वे में इस तरह से हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दोस्तों। हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ टी लेता हूँ, एक सिंगल वर्ड,
ओके, और एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं एक लाइट ही ले लेता हूँ। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं इस प्लान में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस लाइट को मैं एक अलाइन टू एस पी लाइन कर देता हूँ और यहाँ पे ये टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको एनिमेट कर देता हूँ पोजीशन को मैं। ओके, तो फर्स्ट की पे हमारा ये है और 30, ये टी को पूरा बना देना है इसको, हो गया। तो हमारा लाइट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ट्रेसर तो इस पे भी लेगा। अब यहाँ पे लाइट को ड्रैग करें, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है ये ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो इसका एक और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ठीक है। इसका असली काम देखना दोस्तों, तो थोड़ा सा पार्टिकल के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक हल्का सा अभी इंट्रो दूंगा पार्टिकल्स के बारे में, और पार्टिकल्स के ऊपर ये स्ट्रेसर को कैसे अप्लाई करेंगे उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट सेटअप क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं इस क्यूब को डिलीट करता हूँ और मैं सिमुलेशन में जाकर के पार्टिकल लेता हूँ मीटर। तो ये डिफॉल्ट स्टेज में हमारा ये, ओके, ये हमारा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और इसको विजिबल इसको विजिबल लाने के लिए हम लोग कुछ ज्योमेट्री देते हैं। लाइक मैं एक स्फीयर दे देता हूँ और इसका साइज भी छोटा कर देता हूँ, और इस स्फीयर को इमीटर के अंदर चाइल्ड बना देते हैं। और अब इमीटर पे क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं कि 100 ऑब्जेक्ट एक बॉक्स है, इसको टिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें दिखने लगता है। थोड़ा काउंट कम कर देते हैं दोस्तों, ओके, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो पार्टिकल्स है एकदम स्ट्रेट वे में फ्लो हो रहा है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट वे में फ्लो हो रहा है, इस पर कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें जाके देखते हैं पार्टिकल्स के अंदर, ये जो सारा है ये सारा इसका फोर्स है। तो मान लीजिए मैं एक टर्बुलेंस दे देता हूँ। टर्बुलेंस क्या करेगा दोस्तों, इस पार्टिकल को रेंडम वे में इधर उधर कर देगा इसके पोजिशन को। तो एक्चुअली मुझे समझ में आना चाहिए कि ये पार्टिकल्स में, हाँ ये हो रही है, इसको बढ़ाओ थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है, लगभग 30 किया मैंने, ओके। और अब देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेसर है और स्ट्रेसर के अंदर इस इमीटर को डाल देते हैं और प्ले करते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं ना कैसे ये फ्लो कर रहा है। तो अब इससे आप समझ ही सकते हो कि इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितना खतरनाक इफेक्ट बना सकते हैं, मतलब बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। इसको अगर बढ़िया से एक्सपर्टीज बना लेना अपने आप को, तो इस पे काम करने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। एक से एक ऑर्गेनिक इफेक्ट, एक से एक ऑर्गेनिक एनिमेशन इसमें बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग और आगे जाके इसमें थोड़ा और हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा बस इतना ही रखते हैं और मटेरियल देकर देखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भाग में हम लोग इसका और थोड़ा सा डिटेल जानेंगे और इसमें क्या क्या कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।